नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरपुर विधानसभा के शंभूगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गुल्ली कुसाहा गांव से अंतर्राज्य कुख्यात अपराधी को शंभूगंज थाना अध्यक्ष उमेश प्रसाद के नेतृत्व में चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता ने अमरपुर थाने में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर शंभूगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में कुसाहा दुर्ब टोला गांव में चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत लोडेड देसी कट्टा एवं एक बाइक के साथ कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी कुसाहा गांव निवासी चंदन उर्फ घोगी सिंह है। बांका SP ने बताया कि पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। अपराधी पर शंभूगंज थाने में 6, बंगाल के आसनसोल में 1 मुकदमा दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ युवक के खिलाफ बांका न्यायालय से लाल वारंट निर्गत किया गया था। सभी मामले में आरोपी फरार चल रहे थे। SP ने बताया कि फिलहाल युवक का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। छापेमारी अभियान में शंभूगंज थाना अध्यक्ष समेत PSI चंचल कुमार, प्रशांत कुमार, राजीव रंजन सिंह, सिपाही अरविंद कुमार, मनोज कुमार एवं राजेश कुमार शामिल थे। का एक अपराधी चंदन सिंह घोगी सिंह गुल्ली कुशाहा का रहने वाला है। इसके संबंध में विगत 3 महीने से लगातार शिकायतें मिल रही थी। गाँव में लोगों को डराना, धमकाना, धमकी देना, उसी आलोक में पहले 2 केसेस भी इनके विरुद्ध दर्ज हुआ, रंगदारी का और मारपीट का। पुलिस को इनकी तलाश थी। बीते शाम प्राप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय इनके पास से एक देशी कट्टा लोडेड बरामद हुआ है, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है, जो गांव के ही राजकुमार सिंह से इन्होंने कुछ दिन पहले रंगदारी के रूप में ले लिया था। उस संबंध में भी हम लोगों के यहाँ शंभूगंज में कांड दर्ज है। ये पहले से भी हमारे यहाँ माननीय न्यायालय से निर्गत लाल वारंट में वांछित थे। आपराधिक इतिहास तलाशा गया है तो पता चला कि बंगाल में भी ये गिरफ्तार हुए थे, उसका इतिहास हम लोग अभी तलाश रहे हैं। बांका जिले के अमरपुर रेफर अस्पताल में केयर इंडिया के SPM जे थॉमस ने शुक्रवार के दिन औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर की साफ सफाई, प्रसव कक्ष, ऑटो दवा वितरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य एवं अन्य विभाग का बारीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में लक्ष्य कार्यक्रम, कायाकल्प एवं अन्य कार्यक्रम का अवलोकन अस्पताल स्तर पर किया गया। मौके पर केयर के राकेश कुमार, मोहम्मद जफर, प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी, डॉक्टर अशोक कुमार शाह, डॉक्टर दीप्ति सिन्हा, स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील चौधरी, माधुरी कुमारी, NM जयमाला कुमारी उपस्थित थे। पंजवारा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर पंजवारा गांधी मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पंजवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर साह, मूर्ति दाता परिवार के दिनेश सेन गुप्ता, सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र सिंह, ग्रामीण शंकर प्रसाद सिंह, सुबोध कुमार चीगो मंडल, अमूल सिंह, युवा अजीत ठाकुर, संजीव झा, अमित यादव, सौरभ सहित अन्य लोगों ने माल्यार्पण किया। मौके पर गांधी मैदान में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की भी प्रतिमा पर उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण किया और इन महापुरुषों के योगदानों को याद किया। बांका जिले के पंजवारा थाना की पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर विक्रमपुर के पास अवैध विदेशी शराब ले जा रहे 2 युवक बाइक सवार को धर दबोचा और उसके पास से एम्पेरियर ब्लू ब्रांड का 20 बोतल विदेशी शराब जब्त कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान गोटा नगर थाना क्षेत्र के हटिया चौक निवासी विष्णु कुमार शाह एवं चंदन शाह के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया और दोनों के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए शनिवार को पुलिस अभिरक्षा में बांका जेल भेज दिया। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के चिरैया गांव में एक दुकानदार से रंगदारी मांगने गए युवक को ग्रामीणों ने अवैध हथियार के साथ पकड़कर अमरपुर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार युवक शाहपुर थाना क्षेत्र के बगचप्पर गांव निवासी सनी कुमार बताया गया। मौके पर पीड़ित दुकानदार संजीव कुमार ने बताया कि चिरैया गांव में इनकी गले की दुकान है। सनी कुमार समेत 3 युवक 50,000 रुपये की रंगदारी की मांग करते हुए फायरिंग कर दिया। हालांकि हमले में मैं बाल बाल बच गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर ग्रामीण दौड़कर आए लेकिन तब तक युवक के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मौके पर ग्रामीणों ने सनी कुमार को पकड़कर पिटाई करते हुए घटना की सूचना अमरपुर थाने में दी, जहां से गश्ती कर रहे प्रशिक्षु दरोगा पुलिस बलों के साथ चिरैया गांव पहुंचकर युवक को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मामले में पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। फिलहाल गिरफ्तार युवक से पूछताछ करते हुए युवक का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।